आज मुख्य नगर पालिका अधिकारी तेज सिंह यादव के नेतृत्व में पॉलिथीन का उपयोग बंद करने, जूट और कपड़े के थैले का उपयोग करने के लिए समस्त नागरिकों और दुकानदारों से पॉलिथीन का उपयोग बंद करने का आग्रह करते हुए रैली निकाली गई। ये रैली हनुमान चौराहा से प्रारंभ होकर हाट रोड, सदर बाजार, लक्ष्मीगंज होते हुए शास्त्री पार्क पर समाप्त हुई। बाजार में स्वयं सीएमओ तेज सिंह यादव अनाउंसमेंट में बता रहे थे कि सभी दुकानदारों से आग्रह है कि सभी लोग पॉलिथीन का उपयोग बंद कर दें, जूट या कपड़े का थैले का उपयोग करें, जिससे हमारा शहर और देश प्लास्टिक मुक्त हो सके। वहीं शास्त्री पार्क के गेट पर रैली के समापन के दौरान एसडीएम अंकिता जैन के द्वारा नगर पालिका के कुछ कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। एसडीएम अंकिता जैन के नेतृत्व में समस्त नगर पालिका कर्मचारियों के साथ प्लास्टिक मुक्त शहर और पॉलीथिन का उपयोग बंद करने की अपील की गई। नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। स्थिति में सभी लोगों से बार बार आग्रह करने के बावजूद पॉलीथिन का उपयोग हो रहा है, तो पुनः सभी से निवेदन है कि पॉलीथिन का उपयोग कतई न करें, अन्यथा बड़ी दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सभी से विनम्र निवेदन है कि पॉलीथिन का उपयोग कतई बंद कर दें, तथा बिना मास्क के ना स्वयं दुकान पर बैठें और ग्राहक आता है तो उसको भी सामान ना दें। इस पर भी चालानी कार्रवाई हो सकती है। ना किसी को करने दूंगा, मैं अपने घर से निकलते समय कपड़े के थैले का उपयोग करूंगा, अपने आसपास सभी लोगों को कपड़े के थैले ले जाने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि हम लोगों ने शपथ ली, आप सभी लोग प्रेरित कर आज नगर पालिका परिषद गुना द्वारा पॉलीथीन का उपयोग बंद करने के लिए जन जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली नगर पालिका कार्यालय से हाट रोड, सदर बाजार, लक्ष्मीगंज होते हुए शास्त्री पार्क पर समापन किया गया, जहां पर माननीय एसडीएम साहब द्वारा जिन कर्मचारियों द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया उन्हें सम्मानित किया गया एवं पॉलीथीन का उपयोग न करने के लिए सभी व्यापारी बंधुओं एवं आम नागरिकों से अपील की गई, तथा हम भी सभी व्यापारी बंधुओं और समस्त जनमानस से अपील करते हैं कि पॉलीथीन का उपयोग मानव जाति के लिए तो घातक है ही, साथ ही जानवरों के लिए भी घातक है। इसके उपयोग से जानवर भी कई मर रहे हैं, तथा हमारे लिए भी कई बीमारियों की जड़ है।